VLSI नाम तो आप सुने होंगे और आजकल काफ़ी ज़्यादा इसकी बातें हो रही है। गवर्नमेंट के लोग भी बात करते हैं और यूट्यूब पर भी बहुत बातें हो रही है। अगर मैं 3 साल 2 साल पहले की बात करूँगा तो इसके बारे में कोई बताता नहीं था, लेकिन NIT में, एक NIT का नाम बता देता हूँ, अच्छा NIT है, NIT वारंगल, उधर क्या है ना, ये कोर्स 2 साल से ऑफ़र कर रहे हैं। IIIT दिल्ली, वो भी लगभग 2 साल से कोर्स ऑफ़र कर रहे हैं और ये बहुत सारे कॉलेजेस में ये कोर्स आ चुका है, ईसी विथ VLSI। सो इस कोर्स के बारे में पूरा जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। बहुत कुछ बताऊंगा जो आपको पता नहीं होगा, आई एम श्योर पहले से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक चीज़। सबसे पहले बात करते हैं ये VLSI के बारे में। मैं इसी के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, इसी से रिलेटेड जो ब्रांचेस पर वीडियो बना चुका हूँ। तो आज हम बात करेंगे VLSI के बारे में, इसी के साथ प्लस ये सारे जो पॉइंट्स हैं बताऊंगा, ये सिलेबस कौन सा अभी फॉलो कर रहे हैं वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा जो अभी तक मेरे पास मिला है, वो भी NIT वाला। तो सब चीज़ बात करेंगे, फिर कंपेरिजन करेंगे IIIE से और खाली ECE से, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इसके बारे में सबसे पहले मेरे को एक हमारे 1-to-1 सेशन में पेरेंट्स आए थे, उन्होंने पूछे थे अप्रैल मंथ में, मतलब आज से लगा लो 3-4 महीने पहले, फर्स्ट टाइम उन्होंने पूछा सर इसके बारे में बताओ, हमारे को इस कॉलेज में मिल रहा है, कॉलेज कैसा है बताओ। और चलो ठीक है, मैं तो यूट्यूब पर कॉलेज के बारे में बात नहीं करता हूँ, स्पेशली प्राइवेट कॉलेज के, बिकॉज वो मेरे को लगता है मैं बताऊंगा तो लोगों लगेगा प्रमोशन कर रहा है, और प्राइवेट कॉलेज में कुछ प्रॉब्लम बहुत सारे कॉलेज में होता है, जिसमें है नहीं आज, हो सकता है आगे हो जाए, तो बच्चे बोलेंगे इसने बोला था, इसलिए मैं प्रमोट नहीं करता हूँ यूट्यूब पर किसी के बारे में, आज तक तो नहीं करा मैंने बीटेक के लिए खास करके, बाकी चीज़ों के लिए बताया होगा बट बीटेक के लिए नहीं करता हूँ, बिकॉज बीटेक के काफ़ी अच्छा कोर्स है इसलिए। बट 1-to-1 सेशन में जो आते हैं उनको बताता हूँ मैं, तो आप भी 1-to-1 सेशन में आइए और अपने जो भी डाउट्स है, क्लियर पाथ, आपके जो बेकार टाइम खाने वाला था, मतलब आपके ईयर्स ऑफ टाइम बच जाएगा, बहुत सारे पैसे बच जाएंगे, क्लियर रास्ता पता लगेगा किस पर चलोगे तो अच्छा आपका फ्यूचर हो सकता है, ठीक है। तो भाई साहब अपने बच्चों के साथ आ सकते हो, पेरेंट्स आ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं उस चीज़ में, बहुत सारे आते हैं मेरे पास। तो लिंक डिस्क्रिप्शन आइए और बुक करिए सेशन, फिर आपको टाइम मिलेगा जो हमारा सेशन होगा लाइव 1-to-1 मेरे साथ, ठीक है। आगे बात करूंगा इसके बारे में डिटेल, लेकिन अभी इसके बारे में सुनते हैं, पहले समझते हैं ये VLSI क्या है। सो VLSI का फुल फॉर्म क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब ये है क्या चीज़, एक प्रोसेस है, नाम से सुनना, यहां पर नाम देखो, यहां पर इसका फू भी मतलब क्या है, वेरी बहुत है, ठीक है। इसके बाद वेरी, इसके बाद लार्ज, LARGE, इसके बाद स्केल, इसके बाद क्या है इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये 4 चीज आ गए अपने पास ना। इस नाम को देखो, यहां पर बहुत सारे लार्ज, बहुत सारे स्केल, अच्छे लेवल तक, इंटीग्रेशन मतलब क्या, जोड़ना, समझ रहे हैं, इंटीग्रेट करना, जोड़ना। सो बहुत सारे चीजों को जोड़ने के एक प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इसका मतलब VLSI मतलब क्या है, बहुत सारी चीजों के जोड़ने का प्रोसेस है। अब क्या प्रोसेस है, मतलब क्या बनाते हैं, जोड़ के क्या बनाएंगे हम, जोड़ के हम बनाएंगे IC। ये IC क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। अब ये समझ में नहीं आया कुछ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दूसरे टर्म में क्या नाम बोलते हैं, चिप बोलते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं, सेमीकंडक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर भी बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है। अब ये IC बनाने का प्रोसेस है, अब IC में हम क्या जोड़ते हैं, तो भाई साहब पहले बता दूं, लार्ज स्केल में जोड़ते हैं, लार्ज स्केल मतलब क्या, लाखों, 10 लाख, 12 लाख, 20 लाख, ऐसे एक दो नहीं, तो लार्ज स्केल में क्या जोड़ते हैं हम, यहां पर जोड़ते हैं ट्रांजिस्टर को, ट्रांजिस्टर्स को जोड़ते हैं। और ये ट्रांजिस्टर्स है क्या, तो ट्रांजिस्टर्स में मेनली आप देखेंगे BJT देखेंगे और एक FET देखेंगे, BJT एंड FET। यहां पर BJT की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर हम जोड़ते हैं FET को, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को, अगर इसको अच्छे से बोलोगे तो इसको बोलते हैं MOS, MOS FET बोलते हैं,
मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसको हम जोड़ते हैं। अभी जो मटेरियल हम इसमें यूज करते हैं वो यूज करते हैं सिलिकॉन। पहले हम यूज करते थे क्या, जर्मेनियम, जर्मेनियम शायद यूज कर रहे थे। अभी सिलिकॉन यूज क्यों करते हैं, बिकॉज इसका जो जर्मेनियम में प्रॉब्लम क्या था, अगर मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूँ, जर्मेनियम का एक प्रॉब्लम था उसका, जो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ एग्जैक्टली आपको बताऊंगा, ठीक है। जर्मेनियम, जर्मेनियम इन ट्रांजिस्टर है ना, हाँ पहले यूज कर, जर्मेनियम ही है, सो ट्रांजिस्टर में यूज कर रहे थे। सो ये जो ट्रांजिस्टर्स में जर्मेनियम यूज कर रहे थे, अभी यूज नहीं करते हैं, क्यों यूज कर रहे थे उस टाइम, मतलब हमारे पास यही मेटेरियल मिला, अब क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, इसको ना वो ब्रेक डाउन हो जाता था, मतलब टूट सा जाता था, मतलब वो काम नहीं करता था एक पर्टिकुलर लेवल के टेम्परेचर पर, कितना 80 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर ये समझ पा रहे हैं तो। अभी कितना है, जो सिलिकॉन के केस में क्या है, 180 डिग्री तक कोई ब्रेक डाउन नहीं होता है, तो काफी सेफ है, इसलिए सिलिकॉन अब यूज कर रहे हैं हम लोग। कहानी समझ आ गया, तो ये था पूरा आपका जो चीज था। अब आप बोलेंगे सर ट्रांजिस्टर क्या होते हैं बता दो। भाई ट्रांजिस्टर एक ऐसा चीज है जिसका वाइड रेंज में एप्लीकेशन है, जैसे चिप बनाते हैं जिसे मैंने बोला आपका, स्विचिंग में काम आ सकता है, एम्पलीफायर में काम आ सकता है, उसमें ट्रांजिस्टर आपने देखा होगा, बेसिकली तीन डंडा होता है, बेस होता है एक ऐसे वाला देखा होगा आपने, है एमिटर होता है एक, उसमें आपने तीन डंडे होते हैं ना, वो वाला ट्रांजिस्टर, समझ रहे हो, ठीक है जी। अब आ जाओ यहाँ पर, ये चीज हो गया फंडामेंटल कि भाई साहब फंडामेंटल चीज क्या है वीएलएसआई के बारे में, तो ये चीज आप पढ़ेंगे, मेनली फोकस होगा वीएलएसआई पर, कम से कम चार पांच सब्जेक्ट्स। वैसे कोई अगर इसी पढ़ता है, बीटेक करता है, उसका दो तीन सब्जेक्ट वीएलएसआई पर दो के सब्जेक्ट होता है लगभग, इसमें चार सब्जेक्ट मेरे हिसाब से करेंगे, कम से कम चार पांच सब्जेक्ट, ठीक है, तभी ये वीएलएसआई स्पेशलाइजेशन कहलाएगा। जो एनआईटी में बोला है वीएलएसआई डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, उसका मेन नाम उन्होंने रखा है, बहुत जगह पर विद वीएलएसआई भी उन्होंने डाल दिया, तो बाई अंडरस्टूड है ये चीजें है, ओके जी। सो इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, इसमें कम्युनिकेशन भी पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक्स में मेनली आपका फोकस होगा वीएलएसआई पर। आपका क्वेश्चन होगा सर फ्यूचर स्कोप क्या है, देखो इलेक्ट्रॉनिक्स का फ्यूचर स्कोप काफी अच्छा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका फ्यूचर स्कोप काफी अच्छा है। जो चिप मैन्युफैक्चरिंग के वर्कर्स हैं, मैंने बताया था 3 लाख वर्कर्स के शॉर्टेज चल रहे हैं, 3 लाख, मैं आपको दिखाता हूँ, फिर 1-to-1 सेशन उसी के साथ मैं इंक्लूड कर दूंगा, बिकॉज दोबारा नहीं तो जाना पड़ेगा, फिर आगे हम बात करेंगे सारे एक एक करके, आपको पूरा पता लगेगा, एक एक चीज याद रखना अच्छे से, समझ लेना काफी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था, अभी जो फील्ड है इतना ही फील्ड है, इतना ज्यादा जॉब वैकेंसी, 3 लाख का अभी ना शॉर्टेज है वर्कर्स के, तो ये आप न्यूज पर जाओगे, जैसे आप देखेंगे यहां पर इंडिया सेमीकंडक्टर सेक्टर टू फेस क्रंच ऑफ 3 लाख प्रोफेशनल्स बाय 2027, 3 लाख प्रोफेशनल्स, तो एक लौता ऐसा फील्ड है जहां पर शॉर्टेज होने वाला है, तो ऐसे फील्ड में कोई एंटर करता है अच्छा फ्यूचर होगा। अच्छा, इसका कोई डीमेरिट पॉइंट है ब्रांच का, देखो मेरे वीडियोज में जो किसी भी चीज के बारे में जो चीज है वो बता देता हूं, आपको पूरा नॉलेज मिलता है, फिर डिसीजन लो आप, मैं अपने व्यूज थोपता नहीं आप पर ज्यादातर, हाँ बताता हूँ मैं अगर होता तो क्या करता, बट यूजली ट्राई टू शेयर ऑल द इंफॉर्मेशन व्हाट आई हैव विद यू गाइस, सो दैट यू कैन टेक डिसीजन, आप डिसीजन टेकर बनो, ना कि यू शुड डिपेंड ऑन एनीबडी एल्स, यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन एक्शन, सो दैट आई नो यू कैन हैव सम गुड रिसोर्स, you can have some knowledge about the field in which field you are studying, that could lead to have better future, right? So isme hum baat karte hain, acha ab dekho bhai 1-to-1 session hai yahan par, 999 rupees ka bhi dikh raha hai, ye price thoda badhega because inflation ke wajah time ke sath badhta hai price, kya kar sakte hain, aur hum kya karenge aapko price thoda badhayenge, but courses hum extra denge aapko, python aur video editing usme add karne wala hu, to ye 3-4 mahine lagega, तो उसमें आपको मिलेगा अच्छा सा कोर्स। अभी आप देखेंगे को जो है 1-to-1 सेशन जो है 999 rupees में मिल रहा है आपका, और जो भी बाय कर रहे हैं उसमें अपडेट हो जाएगा, सो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ले सकते हैं, 33% ऑफ है। अभी जो हम 10 कोर्सेज आपको दे रहे हैं, अभी 12 कोर्सेज है लेकिन 10 है, बिकॉज 2 कोर्सेज बायलैंग्वेज मतलब हिंदी में और इंग्लिश में दोनों सेम कोर्स है, तो 1 से लेकर 10 कोर्सेज देख लो, बट 2 कोर्सेज का काम बहुत ज़्यादा है,
मतलब तीन कोर्सेज का, एक सी सी प्लस प्लस, ये अलग है भाई, जो आपके यूट्यूब पर मिलते हैं उनसे अलग है, बिकॉज इसमें प्रोजेक्ट्स है, असाइनमेंट्स है, ईच चैप्टर के बाद एक एक असाइनमेंट है, लास्ट में एक प्रोजेक्ट है। सी प्लस प्लस में हमने सिखाया हुआ है कैसे गेम डिज़ाइन करते हैं और गेम कैसे बनता है, एग्जीक्यूट करके दिखाया गया है, आप खुद बना सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको हेल्प करेगा अच्छे नौकरी लेने के लिए, अच्छे मार्क्स लेने के लिए, अच्छे नॉलेज लेने के लिए। इट्स रियली इंपॉर्टेंट। व्हाट एग्जैक्टली आई हैव फेस्ड चैलेंजेस व्हाइल डूइंग बीटेक फ्रॉम 2008 to 2012, सो आई हैव सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम एंड आई हैव शेयर द सोल्यूशन विद मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स, दे गॉट अमेजिंग बेनिफिट ऑफ इट वट आई हैव शेयर, नाउ इट्स टाइम फॉर यू माई डियर, यू गाइज टू गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस। सो द थ्री थिंग्स आई हैव शेयर इन दिस कोर्स, वन इज वट माई डियर, हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ टेंशन यूर माइंड वाइल स्पीकिंग द लैंग्वेज। यू शुड नॉट हैव टू थिंक माई डियर बिफोर स्पीकिंग, यू शुड नॉट हैव टू ट्रांसलेट, बट यू हैव टू फॉलो सर्टन स्टेप्स टू गेट दैट लेवल ऑफ फ्लुएंसी लेवल। वेल इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, यू कैन इजिली गेट, बट माई डियर फॉर गेटिंग सच थिंग इजिली यू हैव टू पुट एफर्ट एट द सर्टन प्लेस विथ सम नेसेसरी इन्ग्रेडियंट्स, वट आई हैव शेयर्ड हियर इन द स्पीकिंग सेक्शन, स्पीक सेक्शन दैन राइट सेक्शन। यू विल लर्न हाउ टू राइट ऑन द आंसर सेट सो दैट यू कैन गेट बेटर मार्क्स विद द सेम नॉलेज वट यू हैव करेंटली। मे बी यू हैव समटाइम्स फेल दैट यू आर स्टडिंग वर्किंग रियली हार्ड बट द गाय सिटिंग बिसाइड यू नॉट पुटिंग दैट मच एफर्ट बट गेटिंग बेटर मार्क्स, देयर कुड बी देयर मे बी वन बिग रीजन, दैट इज वट माई डियर दैट गाय न्यू हाउ टू राइट ऑन द आंसर शीट। एग्जैक्ट स्टेप्स आई हैव फॉलोड टू टॉप 6 टाइम्स फ्रॉम 3rd सेमेस्टर टू 8th सेमेस्टर, आई हैव शेयर्ड सच इंफॉर्मेशन वाई फॉलोइंग सच टिप्स एंड ट्रिक्स, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स गॉट अमेजिंग मार्क्स इन दिस कोर्स माय डियर, इवन IITians एंड NITians एनरोल्ड, सो मोर देन 1000 स्टूडेंट्स एनरोल्ड सो फार। नाउ रीड एंड विद इन जस्ट वन ईयर, एक साल हुआ लॉन्च किया भाई, रीड कैसे कॉलेज में पढ़ाई कर बताया हुआ है, ये तो उसके साथ फ्री मिलता है, इंडिविजुअली कोई एनरोल करना चाहे कर सकता है, 999 rupees का है, 50% ऑफ चल रहा है अभी जब वीडियो बना रहा हूँ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, 499 देखिए जल्दी बाय कर लेना, कुछ कूपन कोड ही मिल जाएगा आगे जाके आपको इसी डिस्क्रिप्शन में इसी कोर्स पर, ठीक है, किसी और चीज़ पर नहीं है भाई। ओके सो हम बात करेंगे अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, फ्यूचर स्कोप की बात करेंगे, बहुत ही बढ़िया फ्यूचर स्कोप है, सोचने की बात ही नहीं है, अच्छा कॉलेज है, ले सकते हो एडमिशन, लेकिन पूरा वीडियो देखना, डीमेरिट्स कुछ है बताऊंगा आपको मैं। इजी या आसान, यहाँ शुरू होता है भाई, देखो VLSI आसान बिल्कुल भी नहीं है, ये थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड चीज़ है, रिसर्च लेवल का चीज़ है। तब क्वेश्चन आता है क्या सर मैं कर सकता हूँ, कौन कर सकता है, कोई भी कर सकता है, अगर आप एफर्ट डालेंगे सीख सकते हो, बिकॉज आप जीरो लेवल से सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। तो जो पढ़ाई करेगा उसके लिए आसान है, जो टाइम पास करेगा उसके लिए क्या है भाई साहब, आपके मुंह पर क्या आ रहा है वही, टाइम पास वालों के लिए क्या होगा, कोई भी चीज़ डिफिकल्ट होगा, चाहे वो BA भी कर लेगा बहुत डिफिकल्ट था, है ना, समझ रहे हैं। अच्छा कोई एवरेज बच्चा क्या इसको पढ़ना चाहिए, क्या मैं रिकमेंड करता हूँ VLSI पढ़ने के लिए, पढ़ सकता है, बट बेटर कुछ है कोई एवरेज बच्चा है, इंस्टेड ऑफ चूजिंग विद VLSI इफ यू आर गेटिंग ऑप्शन गो फॉर ECE, वो आपके लिए बेटर थोड़ा हो सकता है, बट कर सकता है VLSI से, कोई दिक्कत इतना नहीं आता। लाइफ ऑफ VLSI इंजीनियर इंडिया, अभी देखोगे आप सेकेंड मोस्ट नंबर ऑफ जॉब्स VLSI फील्ड में, VLSI में एक फील्ड होता है ASIC वेरिफिकेशन, ASIC वेरिफिकेशन इंजीनियर, ये VLSI में ही आता है। मैं कुछ आपको जादू दिखाऊंगा अभी, आपको फिर समझ में आएगा, देखो जादू, यहाँ पर थोड़ा जादू देखेंगे, अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे वो, और क्या था आगे भाई, 80-90 पूरे 100, ठीक। सो यहाँ पर हम सर्च करने वाले हैं क्या, ASIC वेरिफिकेशन इंजीनियर जॉब्स इन इंडिया, आप देखेंगे 1,06,000 जॉब्स है अभी इंडिया के मार्केट में, नया लिस्टेड जॉब्स कितने हैं मेरे दोस्त, 1,824 है। अब देखो यहाँ पर जादू देखो, सॉफ्टवेयर जॉब्स इन इंडिया अगर सर्च करते हैं, सॉफ्टवेयर जॉब्स इन इंडिया सर्च करते हैं, 1,08,000 नए जॉब्स कितना है, 1,02,251, मतलब क्या है
एसिक वेरिफिकेशन इंजीनियर का जॉब्स ज़्यादा है इंडिया में एज कम्पेयर टू सॉफ्टवेयर जॉब्स। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने पढ़ रहे हैं भाई साहब, थोड़ा देखना अपने किसी भी कॉलेज में जाके, जिस कॉलेज में देखोगे ईसीई में 100 बच्चा है उस कॉलेज में मोस्ट प्रोबेबली ठीक ठाक कॉलेज होगा, तो सीएससी में 1000 बच्चा, 2000 बच्चा, 3000 बच्चा, 4000 बच्चा, 5000, 8000, 10000 ऐसे ही बच्चे आपको दिखेंगे केवल और केवल एक साल में। समझ पा रहे हैं कुछ क्या बात, समझाने का कोशिश कर रहा हूं। आर यू गेटिंग मी माई डियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड? वेल, मेरा मतलब ये नहीं कि भाई आप सीएससी में जाके अच्छा फ्यूचर बना नहीं सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं। बट यार एक बात सोचो, आप घर बनाना चाहते हैं ऐसे जगह पर जहाँ पर पानी का लेयर जल्दी आपको मिल जाए। इसका मतलब क्या है कि भाई मैं वहाँ पर खेती करना चाहता हूँ, मैं बोरिंग करूँगा तो पानी मेरे को 40-50 फुट में मिल जाए, मैं ऐसे ज़मीन ढूँढ रहा हूँ, समझ रहे हो? तो ज़मीन रेगिस्तान में, राजस्थान में खरीदोगे या फिर आप किसी कोस्टल एरिया में खरीदोगे बताओ मेरे को? रेगिस्तान में तभी ज़मीन खरीदेंगे जब आपको लगे मसाले की खेती करना है मेरे को, समझ रहे हैं? उधर अच्छा होता है मिट्टी, मसाला की खेती अच्छा होता है। तो अगर आपका टारगेट ही है भाई साहब क्या ज़मीन खोद के पानी निकालना, तो रेगिस्तान तो नहीं जाएंगे ना, उधर पानी मिलेगा? ऐसा नहीं पानी नहीं मिलेगा, 600 फुट गड्ढा करना पड़ेगा, इधर 40-50 फुट, मेरे गांव तरफ भाई 30 फुट में पानी आता है, समझ रहे हो? बिकॉज नदी के इधर झोड़ मिल जाते हैं नीचे तरफ, तो पानी जल्दी आ जाता है। सो भाई समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब किसी को लगता है नहीं भाई हम तो जाएंगे वहाँ पर वैसे करेंगे वैसे करेंगे, जाओगे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये इसके एग्जाम्पल थोड़ा और अच्छे समझते हैं। सीएस में क्या फील्ड में अच्छा पैसा है? अच्छा पैसा है। क्या स्कोप अच्छा? अच्छा है। क्या मेरे लिए अच्छा है? भाई देखो कितने बच्चे जा रहे हैं, कौन से कॉलेज से आप हो, देन आप समझ पाएंगे। कंपटीशन टू गेट द जॉब, इट्स लाइक यू आर राइटिंग गवर्नमेंट जॉब्स नाउ इट इज। 1-2 हज़ार वैकेंसी में पता नहीं कितने हज़ार का एप्लीकेशन जाता है, ठीक है। सो यूट्यूब पर जो देखते हैं ना, गूगल में काम करना है, सपना देखना अच्छी बात है, बट रियलिटी से जुड़ा रहना है, मेहनत करना है ताकि आगे पहुंच पाए अपन, वो बहुत ज़रूरी है। मेरे पास एक बच्चा है आपको बताना चाहता हूँ, वो बच्चा BCA कर रहा है, तो बोलता है सर BCA कोर्स मेरे को मज़ा नहीं आ रहा इतना। तो सच में इतना ज़्यादा कोर्सेस होता नहीं उसमें, 6-7 सब्जेक्ट होता नहीं है, 3-4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़े, वो भी ऑनलाइन कर रहा है। बोलता है सर मैं इसको छोड़ के स्किल डेवलप कर लूँ, बिकॉज यूट्यूब में एक भैया बताएं स्किल डेवलप कर लो, डिग्री का जरूरत नहीं है। क्या बताऊँ उसको बताओ? मैंने क्या बताया ना भाई, ऐसे बच्चे मेरे पास बहुत आते हैं, इस तरह लोगों का बात सुन के क्या करते हैं वो, डिग्री विग्री करते नहीं, स्किल गेन करने चले आते हैं, और स्किल ऐसे भाई दुकानों पे किलो हिसाब से नहीं मिलता है। स्किल डेवलप करने के लिए प्रॉपर रिसोर्स, प्रॉपर स्केड्यूल, प्रॉपर माइंडसेट, प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए होता है, वो भाई अच्छे कॉलेज में आपको बड़े प्यार से मिलते हैं। ऐसा नहीं Tier 3 कॉलेज वाले स्किल डेवलप नहीं कर पाते, करते हैं, बट उस लेवल का स्किल डेवलप करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए Tier 3 कॉलेज वाले बच्चों का बहुत अच्छा पैकेज कभी लगता नहीं इन जनरल, कभी एक्सेप्शनल केस निकल गया वो अलग बात है, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ मेरे दोस्त। समझने का थोड़ा कोशिश करिए, समझ जाएंगे आपके ही फायदे मिलेंगे, मेरा तो क्या है, मैं तो पैसे कमा ही रहा हूँ, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास, तो VLSI इंजीनियर का लाइफ क्या है? बहुत अच्छा लाइफ है, पैसे बहुत अच्छे कमा रहे हैं, बहुत अच्छे सैलरी मिल रहा है। कुछ कुछ कॉलेज में आगे देखना CSE वाला बच्चा ज़्यादा पैसे कमाएगा एवरेज में, CSE से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, IIIT बैंगलोर से, मैं बताया था किसी वीडियो में, देखे हुए होंगे शायद आप, उसको रिपीट नहीं करेंगे। नाउ क्या इस ब्रांच को लेना वाइज डिसीजन हो सकता है? अच्छा ब्रांच है, ठीक इस डिसीजन हो सकता है आपके लिए, और इस फील्ड में बताया तो एक अच्छा फील्ड आने वाला है आगे, एक IoT, इसमें आप जा सकते हैं, ऑटोमेशन इसमें आप जा सकते हो, पर VLSI itself अमेजिंग फील्ड है, अभी इतना ओवर क्राउडेड नहीं है, तो आप जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कंपैरिजन विद IEEE NECE, क्या करें? देखो यार अगर आपको ECE मिलता है तो ये चूज मत करना, ECE चूज करना। अगर आपको मिलता है ENTC या फिर EXTC, फुल फॉर्म बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो भाई इनके दोनों सेम ही है, ENTC EXTC सेम है, और ECE इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ना प्राइवेट जॉब में कोई डिफरेंस आपको मिलेगा, ना गवर्नमेंट जॉब में कोई डिफरेंस आपको मिलेगा,
जो मिलता है ठीक है, बिकॉज कुछ कॉलेजेस में ENTC बोलते हैं, कुछ कॉलेजेस में ECE बोलते हैं। ऐसे भी कॉलेज देखा जहाँ पर ENTC भी है और ECE भी है। सरकारी में भी ऐसा है, ठीक है, तो परेशान मत होना, सेम है। ट्रिपल ई वाला और लूँ या फिर ये लूँ, तो यार देखो ये वेरी करता है, मैं समझा देता हूँ डिफरेंस क्या है। इसमें सरकारी नौकरी का भी कुछ खास आया नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, एलिजिबल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बिकॉज उन्होंने स्पेशलाइजेशन को भी ऐड नहीं किया किसी भी रिक्रूटमेंट में, तो ऐड नहीं किया मतलब क्या है, या तो कंसिडर करेंगे या तो नहीं करेंगे, ये उन्हीं को पता है, कोई बता नहीं सकता है। जैसे CSE AIML, अब उसको एलिजिबल करेंगे नहीं करेंगे उन्हीं को पता है, हमारे को नहीं पता है भाई। कंपनी मतलब कि 2 साल से ही ब्रांच आया, किसी भी कॉलेज में इसका प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है अभी तक। अब ब्रांच से बच्चा निकला तभी तो प्लेसमेंट होगा, लेकिन एक चीज़ है मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। सो इसी आपको समझ में आया क्या बोला मैंने। ओके जी, ट्रिपल ई और इसमें डिफरेंस क्या है। ट्रिपल ई में काफ़ी सारे PSUs में आपको क्या मिलता है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। PSUs क्या होते हैं, सरकारी जैसा होता है बट सरकारी नहीं है, पेंशन वगैरह नहीं मिलता है भाई PSUs में, और पैसे खूब मिलते हैं। स्टार्टिंग सैलरी लगभग लगा लो आपका CTC 15 से 18-20 लाख के बीच में होगा, जब पास आउट आप करेंगे तब हो जाएगा 20 से 25 के बीच में। अभी 24 लाख हाईएस्ट पैकेज है, मिनिमम आई थिंक 12-13 है, और हर साल 10 PSUs में आपको मौका मिलेगा लगभग अगर ट्रिपल ई ब्रांच लेते हैं। कंपटीशन इतना हाई नहीं है, कुछ ही बच्चे हैं जो निकलते हैं हर साल, 50-60-70 हज़ार होंगे। CSE में 4 लाख के आसपास, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की हम बात करते हैं। सरकारी में देखिए आप UPSC तो दे सकते हैं, UPSC आप दे सकते हैं। UPSC में मेजरली आप लोग दो जानते, एक जानते होंगे UPSC CSE, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ये तो कोई भी दे सकता है, एनी ग्रेजुएट दे, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, दे ही पाएंगे। इसमें और एक आता है SSC CGL, ये कोई भी ग्रेजुएट दे सकता है, और एक आता है State PSC, ये अच्छे जॉब है, ये नॉन टेक के Group AB जॉब है, ये आप दे सकते हैं। आप किसी ब्रांच से BTEC करते हो दे सकते हो, मैं टेक्निकल की बात कर रहा हूँ। तो PSUs में भाई ये वाला ब्रांच अभी एलिजिबल करेंगे नहीं करेंगे किसी को भी नहीं पता, अभी इसके बारे में जिक्र नहीं है तो मैं बता नहीं पाऊंगा। लेकिन आप UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन दे सकते हैं, इसका एग्जाम दे सकते हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप बोलोगे सर SSC JEE के लिए नहीं एलिजिबल नहीं हो, RRB JEE के लिए शायद एलिजिबल नहीं होंगे आप, अभी जो हिसाब किताब अगर, बिकॉज इसका अभी जिक्र नहीं करा उन्होंने, अब करेंगे नहीं करेंगे उन्हीं को पता है। SSC JEE में तो एलिजिबल ही नहीं हो, बिकॉज SSC JEE में इसी ब्रांच ही एलिजिबल नहीं है, EEE भी एलिजिबल नहीं है, तो कैसे एलिजिबल होंगे, ठीक है। सो गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में मैं थोड़ा सा इसको डाउट में रखता हूँ, ये मैं थोड़ा डीमेरिट पकड़ता हूँ इसका, गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी कुछ है नहीं खास, ठीक है। प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में मैं जो बताया बल्ले बल्ले समझ सकते हो, बहुत ही अमेजिंग आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा प्राइवेट जॉब्स में। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, 4 ईयर्स सब्जेक्ट्स और 8 सेमेस्टर्स आप क्या पढ़ने वाले हैं, फिर प्लेसमेंट में एवरेज पैकेज क्या हो सकता है उसकी बात करेंगे, फिर आयल स्टडीज की बात करेंगे, तीनों चीज़ों के बारे में। सो चलिए चलते हैं, प्लेसमेंट 4 ईयर्स क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में देखते हैं। तो ये हमारे पास है NIT वरेंगल का EC डिपार्टमेंट का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग VLSI डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी ब्रांच का जिक्र, ये इफेक्टिव 2023-24 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर चलते हैं हम फर्स्ट सेमेस्टर। अच्छा, इन्होंने क्या ब्रांच दे रहे, देखो BTEC में EC and ESC विद VLSI डिज़ाइन टेक्नोलॉजी, MTEC में VLSI सिस्टम डिज़ाइन एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग PhD में, और MTEC में इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एम्बेडेड सिस्टम, ये 3 ब्रांचेस देते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा इनके MTEC में प्लेसमेंट कितना है, फिर आप उसको रिलेट कर सकते हैं BTEC के साथ। मैं आपको बता देता हूँ इसी में जितना एवरेज पैकेज जा रहा है NITs का, लगभग उससे कम तो नहीं जाएगा, थोड़ा ज़्यादा जाएगा VLSI का जो ब्रांच है उसका। ये सब बात देखेंगे हम इसी कॉलेज का देखेंगे। तो आ जाइए यहाँ पर,
ये हमारे पास है पहला सेमेस्टर में क्या पढ़ेंगे, ये तो लगभग कॉमन ही होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होते हैं, एक दो सेट के डिफरेंस होते हैं। मैथ्स पढ़ने वाले हो तो पहले से ही भाई साहब ना ये कैलकुलस वाला पार्ट सीख लो, जिसका वीक है, किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में कैलकुलस का यूज़ होगा, तो पहले से ही पढ़ लो यार, छोड़ना नहीं उसको। ठीक है, नेक्स्ट इंग्लिश फॉर टेक्निकल कम्युनिकेशन, रियली रियली इंपॉर्टेंट। इफ यू आर वीक इन इंग्लिश माय डियर यू विल स्ट्रगल, सो लर्न इट एंड द रिसोर्स आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विथ यू विथ टू अदर बिग रिसोर्सेस, राइट? वन इज हाउ टू राइट ऑन द आंसर शीट, अनदर वन इज व्हाट माय डियर हाउ टू स्टडी इन कॉलेज। दीज थ्री थिंग्स माय डियर, स्पेशली स्पीकिंग वन, राइटिंग वन एंड रीडिंग वन कैन बी अ गेम चेंजर फॉर योर फ्यूचर अहेड। 4 साल यूटिलाइज करो तरीके से, देखो लाइफ कहाँ जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल, वे ऑफ टॉकिंग, नॉलेज, पेशेंस और बहुत सारी चीज आपके अंदर आ जाएगा, जो अल्टीमेटली आपको बहुत कुछ बड़ा करने के लिए हेल्प करेगा। बड़ा मतलब क्या है, जो शायद अभी कभी सोचे नहीं होंगे आप। जब मैं छोटा था, जब मैं एडमिशन लेने जा रहा था बीटेक, तब मेरे को सबको पता लगा बीटेक करने जा रहा है, इसका एडमिशन हो गया, तो मेरे ग्राम तरफ पढ़ा लिखा इतना कोई बंदा था नहीं वहाँ उस टाइम। मैं था सेकेंड या थर्ड बच्चा था जो बीटेक करने जा रहा था मेरे गाँव से। मैं तो लोगों ने बोला भाई 10-15 हज़ार का नौकरी तो लग ही जाएगा इसका, लेकिन अभी का नहीं, 2008 की बात कर रहा हूँ, तो 15 हज़ार मतलब अभी का 40 हज़ार लगा लो, 35-40 हज़ार लगा लो, लगभग उतना है। ठीक है, तो मैंने सोचा नहीं था भाई मैं कितना कमाऊँगा, मैंने ठीक है 15 हज़ार मिलेगा, लेकिन मेरा स्टार्टिंग सैलरी हुआ था 17 हज़ार। 4 साल बाद मैंने जब नौकरी छोड़ा तब मेरा सैलरी हुआ था 60 हज़ार के आसपास, फिर मैंने पढ़ाया ऑनलाइन तब मेरा सैलरी लगभग 1 लाख था, फिर आगे नहीं पता नहीं है। ठीक है, तो ये बात कर रहा हूँ 8-9 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 7-8 साल पहले की बात कर रहा हूँ। सो फिजिक्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पढ़ते हैं, नेटवर्क थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। DI डू इट योर सेल्फ लैब है, मज़ा आ जाएगा डू इट योर सेल्फ लैब जो होता है। सो नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड सेमेस्टर इंटीग्रल कैलकुलस एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये बड़ा मज़ा आता है लाप्लास पढ़ने में, बट याद करना सारे फॉर्मूला मज़ा आ जाएगा। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री एनालॉग सर्किट डिज़ाइन लैब होता है, जॉय ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, बड़ा मज़ेदार यहाँ पर इन्होंने डिज़ाइन किया है। दैट इज़ वाई आई लव द वे दे हैव शेयर्ड द सिलेबस, दैट इज़ आई एम शेयरिंग विद यू दिस कॉलेज सिलेबस, राइट? अदरवाइज आई कुड हैव चूज एनी अदर कॉलेज सिलेबस। सेकेंड ईयर में ये आपका थर्ड सेमेस्टर बोलोगे तो चलेगा। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स एंड स्पेशल फंक्शंस, कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग, डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन, सिग्नल सिस्टम, थोड़ा डिफिकल्ट है पढ़ना। सो सास बोलते हैं इसको, पल्स एंड स्विचिंग सर्किट्स, इंट्रोडक्शन टू AI ML आप पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं फोर्थ सेमेस्टर में क्या पढ़ोगे, लीनियर IC एप्लीकेशंस, VLSI टेक्नोलॉजी, दोनों ही VLSI फील्ड का है, CMOS लॉजिक IC डिज़ाइन, ये भी VLSI का है, फिर लैब है आपका, प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड स्टोचेस्टिक प्रोसेसेस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स एंड ट्रांसमिशन, इसका लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, थर्ड ईयर का पहला सेमेस्टर DSP पढ़ेंगे आप, ACS वाले ही पढ़ते हैं, एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, CMOS एनालॉग IC डिज़ाइन, एडवांस माइक्रो कंट्रोलर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, CMOS एनालॉग IC डिज़ाइन लैब, उसका डिपार्टमेंट इलेक्टिव पढ़ाया जाएगा। थर्ड ईयर का सेकेंड सेमेस्टर एंटीनास एंड माइक्रोवेव सर्किट्स, VLSI वेरीफिकेशन एंड टेस्टिंग, जो दिखाया ना ASIC वेरीफिकेशन, ये अभी है VLSI वेरीफिकेशन, इतने जॉब्स हैं सिर्फ एक सब्जेक्ट में। अच्छा, लैब आता है, फिर एम्ब्रेड एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, इनोवेशन स्टार्टअप, फिर डिपार्टमेंट इलेक्टिव 1-2 दो दिन पढ़ाया जाएगा आपका। फिर हमारे पास आता है फोर्थ ईयर का पहला सेमेस्टर, मतलब 7th सेमेस्टर, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स सिंथेसिस एंड कार्टेशन, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, फिर 3 सब्जेक्ट बाकी पढ़ाया जाएगा, डिजाइन प्रोजेक्ट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आपका 2-3 सब्जेक्ट, फिर प्रोजेक्ट होगा खत्म। तो यहाँ पर आपका जो डिपार्टमेंट इलेक्टिव है, अगर इन्होंने इनके साथ दे रखा है, ये देखो यहाँ पर दे रखा है, पहला हमारे पास जो है 5th सेमेस्टर में आप क्या पढ़ेंगे, देखिए सेमीकंडक्टर डिवाइस मॉडलिंग, हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेजेस, फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर आप पढ़ेंगे FPGA डिज़ाइन, MEMS एंड NEMS, मिक्स सिग्नल डिज़ाइन, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग, VLSI इंटरकनेक्ट्स, ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स,
हेट्रोजंक्शन डिवाइस फिजिक्स, एसिक सिस्टम डिजाइन, इसके बारे में बात करा था मैंने, RF माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर, रिलायबिलिटी ऑफ वीएलएसआई सिस्टम, हाई स्पीड इंटरफेसिंग, सर्किट्स, क्वांटम कंप्यूटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिजिकल डिज़ाइन ऑटोमेशन CAD फॉर वीएलएसआई, ये ऑटोकैड कोर्स हम देते हैं भाई, ये सीख लेना, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है, पावर मैनेजमेंट एंड ISA डिज़ाइन। तो ऑटोकैड वाला कौन सा खरीदना चाहिए आपको? आपको खरीदना चाहिए मेरे दोस्त, मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिकल वाला, लिंक कहाँ है डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, 53459 रुपीज़ का आता है, और जो पढ़ाए हैं NIT कुरुक्षेत्र से, MTech किए हैं, 15 साल एक्सपीरियंस, अभी PhD कर रहे हैं NIT जयपुर से, ठीक है, इतना काफ़ी है मेरे हिसाब से क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो थोड़ा सिलेबस देखते हैं, ये सिलेबस में ये तो मैथ्स वाला सिलेबस देखोगे, दिखा देता हूँ, देखो क्या पढ़ने वाले हो, मैट्रिक्स, डिफरेंशियल कैलकुलस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तीन ही पार्ट, ठीक। मैं आपको जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मिल जाए मेरे को लगता नहीं सारा मिलेगा, बट लेट्स सी, अगर मिलता है मज़ा आ जाएगा। ये कौन सा है भाई, पाइथन फॉर सर्किट सिमुलेशन, देखो बेसिक पढ़ें, कंट्रोल एरेज पढ़ते हैं, स्ट्रिंग्स पढ़ते हैं, फाइल्स पढ़ते हैं, इसके बाद फंक्शंस प्रॉब्लम सॉल्विंग, मल्टी डिलिस्ट, डिजिटल लॉजिक्स, इसके स्पाइस इंटरफेस, डिवाइस कटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, ये पढ़ते हैं आप लोग पाइथन फॉर सर्किट सिमुलेशन, ठीक है। सिलेबस दिखा रहा हूँ आपको, मज़ा आएगा सिलेबस देख के। जॉय ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोग एक ये करते हैं जो आपको दिखाया था, अभी सिलेबस पूरा इन्होंने शेयर नहीं किया, बिकॉज अभी चल रहा है सेकेंड ईयर तक सिलेबस, मेरे हिसाब से इन्होंने डिज़ाइन दिया हुआ है, एनालॉग सर्किट डिज़ाइन है, मैं जो ढूंढ रहा हूँ आपको बताऊँगा, आप भी मेरे साथ थोड़ा थोड़ा रहिए। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री है, इसके बाद इसमें क्या है, नहीं मिलेगा शायद मेरे को लगता है, डेटा स्ट्रक्चर है, ओके, इंटीग्रल कैलकुलस, लाप्लस ट्रांसफॉर्म है, ये लैब आ गया, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इसमें सी पढ़ाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली आपको सी पढ़ाते हैं, इसमें बहुत जगह पर सी ही होता है। इसके बाद आपके पास नेटवर्क थ्योरी यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़ते हैं, यहाँ पर वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था AI ML में क्या पढ़ाते हैं, मैं दिखाने को यहाँ पर वो चीज़ अभी इन्होंने ऐड नहीं किया है, बस जो मैंने दिखाया आपको, होपफुली ये भी थोड़ा हेल्प करेगा आपको, ठीक है। ये टेक्निकल कम्युनिकेशन में क्या पढ़ेंगे, देखो बेसिक ग्रामर प्रिंसिपल, राइट क्लियर एंड कोहरेंट पैसेजेस, राइट इफेक्टिव लेटर्स फॉर जॉब एप्लीकेशन एंड कंप्लेंट्स, प्रिपेयर टेक्निकल रिपोर्ट्स एंड इंटरप्रेट्स ग्राफ्स, एनहांस रीडिंग कंप्रेंशन, कंप्रेंड इंग्लिश स्पीच साउंड सिस्टम, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, ये सब पढ़ते हैं आप, ठीक है, ओके। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट फेज ऑफ दिस वीडियो जो ऑलमोस्ट एंड पर है। अब हम बात करते हैं किसके लिए प्लेसमेंट, भैया सैलरी बताओ, ठीक है सैलरी पे चलते हैं। उसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा फाइंडर, मेरे PDF फाइल में जाना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा प्लेसमेंट, और यहाँ पर दिख रहा है कहीं NITW दिख रहा है, NIT वरेंगल, अच्छा IIT वाला देख लेते हैं, अगर IIT वाला मिल जाता है तो, IIT कहाँ है भाई, ये कहाँ आ गया, मैं प्लेसमेंट IIT वाला तो है ही नहीं यहाँ पर, ठीक कोई बात नहीं, हम ब्रांच में जाएंगे देख लेंगे, यहाँ पर IIT गुवाहाटी, सो इसका प्लेसमेंट देखते हैं, IIT गुवाहाटी का प्लेसमेंट, सो ये MS, इसके बाद MTech का प्लेसमेंट देखोगे, MTech के ब्रांचेज इन्होंने शेयर कर रखा क्या, हाँ ये MTech के ब्रांचेज हैं, तो यहाँ पर ट्रिपल ही इन्होंने दे रखा है ब्रांच, 24 लाख का एवरेज पैकेज है, बट ये VLSI का नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का है, तो हमारे को चाहिए NIT वरेंगल, जहाँ पर ये कहानी स्टार्ट किया था 2 साल पहले, ट्रिपल आई टी दिल्ली उन्होंने भी स्टार्ट किया है VLSI के साथ, जो ब्रांचेज हैं आपका किसके बारे में, इसी ब्रांच IIIT दिल्ली, वो भी उन्होंने, चलो चलते हैं ढूंढते हैं इसको जितना ढूंढ सकते हैं इजीली, अगर मिल जाए अच्छी बात है, किस्मत कैसा है देखते हैं आप लोगों का। सो एक केमिस्ट्री आ गया ECE, ये MSc केमिस्ट्री कहाँ जा रहा है यार, ECE मिल जा भाई, ढूंढ रहे हैं ECE, लेकिन मिल रहा है हमारे को MSc केमिस्ट्री, बताओ कैसी बातें करते हैं। ये कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट आ गया, सिविल आ गया ना, अच्छा पहले सिविल है, फिर क्या देखते हैं, फिर अपने पास है सिविल ही चल रहा है, जियो टेक्निकल है, MTech वाला ब्रांचेस है, वाटर रिसोर्स,
सिविल ये। फिर अपने पास क्या आता है प्लेसमेंट में, अरे आ जाओ भाई इतना क्यों टेंशन दे रहे हो, ट्रिपल ई ब्रांच है। फिर ट्रिपल ई, ट्रिपल ई वाला हमारे काम का नहीं है। ट्रिपल ई में कोई ऐसा डिपार्टमेंट दे रहे हो ये में देख लेते हैं। बीटेक का हो गया हमारे पास, ये बीटेक है, ये भी बीटेक है। एमटेक में नहीं, हमारे पास वो नहीं है जो हमारे को चाहिए बेसिकली। यहाँ पर अलग भी, लेकिन फिर भी देख लो यहाँ पर एवरेज पैकेज कितना है, 12 लाख एवरेज पैकेज। ठीक है, मज़े वाली बात कुछ और दिखाने वाला हूँ, आपको समझ में आएगा। एक मेरे पास पेरेंट्स आए आज, वो पूछ रहे थे कि सर ऐसा क्यों है, एमटेक का सैलरी कम है और उसका बीटेक का सैलरी ज़्यादा होता है। जैसे एग्जांपल देखो, एमटेक में बीटेक का एवरेज पैकेज, बीटेक है, बीटेक का एवरेज पैकेज कितना है, 24 लाख के आसपास है एनआईटी वारंगल में। एमटेक का देखोगे आप, एमटेक का नीचे ही आएगा, एमटेक का 2-3 ब्रांच इनके पास है, एवरेज पैकेज कितना है, 20 लाख है, 4 लाख कम है। बोला सर ऐसा क्यों है, वो तो एमटेक कर रहा है बंदा। बोले 4 साल कितना स्पेंड किया आपने टाइम, कितना उधर गए आप, 4 साल तो 4 साल का वैल्यू मिलता है। आप 2 साल वहाँ पर जा रहे हो तो, लेकिन बोलोगे सर 2-4 साल तो वहाँ उस कॉलेज में बिताया, भाई उस कॉलेज में बिताया हो, इस कॉलेज में नहीं बिताया हो, ये वैल्यू उसके हिसाब से मिलता है। और कब बिता रहे हो ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है भाई, 20 लाख का एवरेज परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट 74% है। तो चलते हैं आप हमारा जो हमारे वाला चाहे BLSI सिस्टम डिज़ाइन में देखोगे, देखो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट कितना है, 70% है। ये 23 का डेटा है भाई, ध्यान देना अभी बढ़ गया है, 22-23 का डेटा है, 23-24 का डेटा अभी तक आया नहीं है, ये बढ़ेगा देखना धीरे धीरे करके बढ़ेगा ऐसा परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट, अभी 70% है। एवरेज पैकेज कितना है आपका, 20.4 है, हाईएस्ट कितना है, 37.5 है। तो आप जो देख रहे हैं 20 के आसपास, तो बीटेक में यहाँ पर देखोगे कितना परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यू नीड टू लुक एट दिस, 90% परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट है। सो बीटेक और एमटेक में डिफरेंस है। तो आपका जो पैकेज लगेगा, मेरे को लगता नहीं लेस देन ये लगेगा, कम से कम इतना तो लगेगा आपका, 2 साल की बात है। नेक्स्ट ईयर देंगे, 2025 में रिलीज करेंगे कितना पैकेज गया है, देखना सरप्राइज मिलेगा आपको, मैं आपको बताता हूँ आज। हो सकता है CSE ज़्यादा पैकेज आ जाए, बिकॉज इस कॉलेज में CSE का एवरेज पैकेज है, एवरेज है 31 LPA के आसपास, 6 लाख ज़्यादा है। इसी कॉलेज की बात कर रहा हूँ, सेम कॉलेज की अगर बात करें तो। ठीक है जी, सो प्लेसमेंट आपको समझ में आया, लेकिन हमने जो प्लेसमेंट आपको बताया अभी कौन से जगह का बताया, NIT का, IIT का, TH3 से कोई पढ़ रहा है, टोटली डिपेंड करता है भैया आपका कॉलेज कैसा है। बहुत से कॉलेज जानता हूँ जहाँ पर इसी ब्रांच नाम के हैं, सारे जाते हैं CSE में प्लेसमेंट के लिए। उधर दो चीज़ हो सकता है, या तो इसी कंपनी बुलाएंगे और बेड़ागर जो होने वाला था उसको ठीक करेंगे, या फिर CSE वाले बच्चों के साथ इनका भी कंडीशन ख़राब होगा, उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा उसके बाद क्या करने के लिए, भैया हायर स्टडीज़ कर सकते हैं, दे कैन गो फॉर हायर स्टडीज़। और हायर स्टडीज़ में क्या करना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर खूब प्यार हो गया गेट दो, इसके बाद एमटेक करो। फ़ायदा क्या है, प्लेसमेंट देख रहे हो 70-80% है NIT में, IIT में मिल जाएगा 90 के आसपास प्लेसमेंट, पैकेज अच्छा। BLSI में एमटेक कर लेना, 25 के आसपास पैकेज लगेगा, 20-25 का, ठीक है। और गेट पढ़ने का कोई, एमटेक पढ़ने का कोई पैसा लगता नहीं, बिकॉज 12,400 per month, कोई और नहीं, खाली गेट में अच्छा स्कोर करो, एडमिशन मिलता IITs NITs में, IITs में थोड़ा इंटरव्यू और एक पेपर हो सकता है, NIT में डायरेक्ट एडमिशन मिलता है गेट के थ्रू से, और भैया मौज मारो। पहला, अगर ये पसंद नहीं आ रहा टेक्निकल, तो भाई चुपचाप कैट का प्रिपरेशन चालू कर दो और MBA करो। बहुत से बच्चे पूछते हैं सर बेस्ट टाइम क्या है प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, सेकेंड ईयर। अगर MTech करना है गेट का प्रिपरेशन सेकेंड ईयर से स्टार्ट करो, थर्ड सेमेस्टर से फर्स्ट, और अपना परसेंटेज को अच्छा रखना। गेट में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, बट फिर भी चाहिए एक सर्टेन लेवल तक। कैट में MBA के इंटरव्यू के दौरान इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो 10th भी, 12th भी और BTech भी, कहाँ से BTech किए हो वो भी थोड़ा सा मैटर करता है आपका, अगर आप IIM से MBA करने जा रहे हैं तो। ठीक है जी, इतना ही था कहानी, होपफुली आपको पूरा कहानी पता लग गया, BLSI ECE के बारे में बहुत कुछ जानकारी दे दिया। मौज मारो, लाइक कर देना वीडियो को, और 1-to-1 सेशन का लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में है, इंग्लिश का जरूर एनरोल करना है सभी बच्चों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है।
थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।